दोस्तों, अगर आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं और प्रोजेक्ट लेकर उसमें काम करना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं, सो दोस्तों उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि आपको जो है मालूम होने चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले। सो ये प्रोजेक्ट में किस तरह से आपको जो है फ्लो, जो आपका प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है, सो वही सारी चीज़ें जो हैं आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। मैं हूँ मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट लेकर उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, यानी कि एक अगर प्रोजेक्ट आप लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट को शुरू से लेके एंड तक, ए से लेके जेड तक पहुंचाने के लिए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और कौन कौन से स्टेप्स जो हैं हमें पहले से लेके धीरे धीरे आगे आगे नेक्स्ट 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 करके इस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करना होता है, तो उसकी पूरी कंप्लीट जो जानकारी है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो प्रोजेक्ट अभी करने की सोच रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको अभी प्रोजेक्ट किस तरह से किया जाता है वो बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। सो दोस्तों, प्रोजेक्ट करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक अलग ही आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, एक अलग तरीके से जो है आपको ए से लेके जेड तक जो है चलना पड़ता है, क्योंकि एक पूरा रेडी अगर नेटवर्क है तो वहाँ पर आपको जाके, अगर मैं बताऊँ कि आपको ये सर्वर्स हैं, आपको इसमें ऐसा करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, ये नेटवर्क है, इसमें ये स्विचेस हैं, इसमें वो स्विचेस हैं, इस तरह से अगर आपको, अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ तो वहाँ पे जो है अब वो आप इजीली जो है सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी किसी ने मेहनत करके पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा नेटवर्क, सर्वर्स वगैरह सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रखी हैं। व्हाट इफ अगर आपको खुद को करना है, तो खुद को करने के लिए जो है जो चीज़ें, जो पॉइंट्स हैं, जो वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं सबसे पहले अगर बात करूँ प्रोजेक्ट लेने के बाद, यानी कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको प्रोजेक्ट लेना है, कोई एक कंपनी है या कोई एक होटल है या कोई एक हॉस्पिटल है या कोई भी एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ पे नेटवर्क रेडी करने की अगर बात आती है तो कुछ चीज़ें जो है हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही मतलब केयर करनी पड़ती है उन सब चीज़ों की। हमारा जो प्रोसेस है वो इतना सिस्टमेटिक होना चाहिए कि जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद जो है कभी भी जो भी उसके बाद जो नेटवर्क्स को हैंडल करने आ रहे हैं, जिनको उसमें ऑपरेशन चलाना है, उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो उस प्रोजेक्ट के ओनर्स हैं या मैनेजमेंट टीम है, आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो ये लेना है कि मैनेजमेंट टीम से या उस प्रॉपर्टी के, उस जगह के ओनर से आप मीटिंग करें, पहले उनसे समझें कि एक्चुअल में वो रिक्वायरमेंट क्या चाहते हैं, यानी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह से चाहते हैं। और 90% केसेस में, या 95%, मैं तो बोलता हूँ कि 95% केसेस में जो ओनर या फिर टीम जो होती है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होती है, तो वो आपको सिर्फ ओवरऑल आइडिया दे सकते हैं कि उनकी फंक्शनैलिटी, उनका जो ऑपरेशंस हैं वो बेसिकली किस तरह से काम करेंगे। सो उसके बाद जो है सेकंड स्टेप, आपको जो है उनसे ये सारी डिटेल लेनी है कि वहाँ पे कितने कंप्यूटर्स होंगे, कितने यानी कि डेटा पॉइंट्स होंगे, वायर और वायरलेस, वायरलेस नेटवर्क और केबल नेटवर्क, ये दोनों अलग-अलग चलेंगे या एक साथ चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे वायरलेस नेटवर्क एक अलग सेटअप में चलाए, एक अलग उसमें चलाया जाता है वीलैंस में, और जो लैन कनेक्शंस वगैरह हैं वो एक अलग डोमेन पे चलाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपको उन सब चीज़ों को कि किस तरह से वो काम करने वाले हैं, तो ये तो हो गए डेटा की पॉइंट कि आपको वायरलेस नेटवर्क पे भी बनाना है या सिर्फ केबल नेटवर्क बनाना है,
केबल नेटवर्क बनाना है तो उसमें सिर्फ एक ही डोमेन चलाना है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन चलाने, ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप उनके हर इतना अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है तो डेफिनेटली उनकी एक आईटी टीम भी होती है, तो आप उनके आईटी टीम मेंबर से मिल सकते हैं, या ऑपरेशन से अगर आपको कुछ भी इस तरह का टेक्निकल पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जो है उनकी पूरी चीज़ों को समझें फिर कि वहाँ पे वो कौन से सॉफ्टवेयर्स वगैरह चलाने वाले हैं। अगर वॉइस यानी कि अगर आपके टेलीफोन सिस्टम्स लग रहे हैं वहाँ पे, तो उस टेलीफोन सिस्टम्स के अंदर जो है आईपी फोन्स हैं कि नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले आप उनसे गैदर कर लें इंफॉर्मेशन, उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है आप उनके मैनेजमेंट टीम से या फिर ओनर से बात करें, उनसे बजट पूछें कि वो जो इस आईटी का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बात करें उसके लिए उन्होंने कोई बजट डिसाइड कर रखा है कि नहीं कर रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम बजट डिसाइडेड ही होता है कि इतना ही बजट है, वो बजट आपको उनसे बजट की फिगर्स लेनी है, और उसके बाद जो है सबसे पहले ये नहीं करना है कि चलो ठीक है एक जगह पे बैठे अपना पूरा कॉपी पेन निकाला और धड़ 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 सारी चीज़ें लिख डाली, ऐसा नहीं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है साइट विजिट। साइट विजिट के दौरान आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। आपका सर्वर रूम बन रहा है तो वहाँ पे जो एज पर रिक्वायरमेंट है वो जगह जो है सफिशेंट है कि नहीं है, वहाँ पे रैक का जो साइज़ है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 24U लगना है, 42U लगना है या उससे भी कम लगना है, तो जो भी आपके सर्वर्स हैं स्विचेस हैं तो वो आपको देखना वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है कि आपका अगर नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो वो उसके लिए हमेशा यही प्लान करें कि सर्वर्स के लिए अलग रैक प्लान करें, भले ही छोटा प्लान कर ले अगर सर्वर्स ज़्यादा नहीं है, और रैक नेटवर्किंग के लिए एक अलग पूरा नेटवर्क रैक प्लान करें, क्योंकि एक ही जगह पे सर्वर ऊपर नीचे और नीचे, या नीचे नेटवर्क ऊपर सर्वर या ऊपर सर्वर नीचे, नीचे सर्वर ऊपर नेटवर्क, तो उसमें बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सर्वर्स लगने के बाद उसके जो नेटवर्क अगर हम लगाते हैं तो नेटवर्क के बैक साइड पे बहुत सारी केबल्स होती हैं, तो ऐसे में जो है सर्वर्स को मैनेज करना, उनकी मेंटेनेंस करना, और नेटवर्क में अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे भी अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो ऐसे में जो है सर्वर्स में भी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, जैसे कि कोई पावर ही हिल गया तो सर्वर बंद हो गए, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं ट्रबल शूटिंग के जो ध्यान आपको रखना है बेसिकली, कि जो टीम आपके नेटवर्क के कभी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे उनको ट्रबल शूटिंग में क्या-क्या चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रख के ही अपना पूरा आईटी जो सर्वर रूम है उसको डिज़ाइन करना है। उसके बाद डेटा पॉइंट्स कहाँ पर कितने कितने हैं, फ्लोर हैं क्योंकि मोस्टली बिल्डिंग्स होती हैं तो वहाँ पे पर फ्लोर कितने डेटा पॉइंट्स हैं, पर फ्लोर कितने, अगर ईपीबैक सिस्टम जो है आईपी बेस है तो उसकी केबल्स कितनी हैं। फिर उसके बाद वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए जो हम एक्सेस पॉइंट्स वगैरह लगा रहे हैं तो उसकी केबल्स कितनी हैं, और वायरलेस अगर हमारा लगा हुआ है वहाँ पे लगाने वाले हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग्स में जो है आपको लोकल पावर की रिक्वायरमेंट ना रखें, मतलब अगर एक्सेस पॉइंट कहीं पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे कभी मत बोलें कि यहाँ पे मुझे लोकल पावर चाहिए। ऐसी लोकेशंस पे जो है आप पीओई स्विच प्लान करें और पीओई डिवाइस ही एक्सेस पॉइंट्स ही प्लान करें। होगा क्या कि आपको एक ही जगह पे अगर कहीं पे पावर इश्यूज होते हैं या कुछ भी होता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको एक ही जगह से सिंपल अपने नेटवर्क स्विच से ही सारी R&D कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग्स कर सकते हैं। अब बात करें डेटा की, तो डेटा के कितनी केबल्स जो है हमारे स्विच पे, मतलब एक फ्लोर के एक जगह पे आ रही हैं, वो एक लोकेशन जो आपको मिली है तो वहाँ पे टोटल कितनी केबल्स हो रही हैं, चाहे वो वॉइस की हैं, चाहे वो डेटा की हैं, चाहे वो वायरलेस की हैं,
तो वो सारी केबल्स वहाँ पे जब आ जाती हैं तो आपको उसी हिसाब से जो है अपने नेटवर्क स्विचेस प्लान करने हैं। पीओई हैं तो पीओई स्विच में आपको कितने पोर्ट पीओई लगने वाला है। अगर आपकी बाकी जो स्विचेस हैं नॉर्मल L2 स्विचेस हैं तो वो कितने पोर्ट के लगने वाले हैं, उसी हिसाब से आपको पैच पैनल्स वहाँ पे लगेंगे, उसी हिसाब से आपको जो है केबल मैनेजर लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पर फ्लोर इसी तरह से आइडेंटिफाई करनी होती हैं। और अगर वायरलेस नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है या तो आपको इतना अच्छा नॉलेज हो कि आपने बता दिया कि यहाँ अगर मैं एक्सेस पॉइंट लगा देता हूँ तो मेरा ये एरिया जो है कवर हो जाएगा। जनरली जब हम प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी दीवार या कोई कांच वगैरह लगा हुआ नहीं मिलता है, तो उस साइट विजिट के दौरान जो है हमें उनके फ्यूचर की प्लानिंग यानी कि जब पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी उस वक्त इसके लेआउट्स क्या होंगे वो जानना बहुत ही जरूरी है कि वहाँ पे दीवार आने वाली है तो दीवार की थिकनेस क्या होगी। अगर कोई कांच लगने वाला है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं है, कांच की थिकनेस वगैरह क्या होगी वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि वायरलेस एक्सेस पॉइंट प्लान करने के लिए अगर सपोज कर लिया आपने जहाँ पे एक्सेस पॉइंट प्लान किया है और आपने ओपन एरिया में तो बोल दिया था कि ओके यहाँ तक मेरे को जो है सिग्नल मिल जाएंगे 12 मीटर तक, लेकिन जब बीच में एक दीवार खड़ी हो गई तो सिग्नल जो है आपके गारंटी बोलता हूँ 40-45% सिग्नल आपके ड्रॉप हो जाते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वहीं से जो है कम हो जाती है। और अगर कांच है तो डेफिनेटली कांच के अगर आपको बताऊं तो वहां पे कांच में जब हमारे सिग्नल्स आके टकराते हैं तो उसके बाद उनका एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी हिसाब से प्रिफर यही करें कि अगर इस तरह के ऑब्स्टिकल्स बीच में आ रहे हैं तो आपको एक्सेस पॉइंट कहाँ पर प्लान करना चाहिए और आपको उन एक्सेस पॉइंट्स में हर कोने पे कितना dB सिग्नल्स मिलने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ सिग्नल मिल जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सिग्नल के साथ साथ सिग्नल में dBs कितने मिल रहे हैं हमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वायरलेस नेटवर्क प्लान करने के लिए। क्योंकि सिग्नल हम तो कई बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सिग्नल मिल रहे हैं मतलब नेट चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सिग्नल्स में भी एक dB सेट होते हैं। हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के पूरा प्लान करेंगे, बताऊंगा मैं आपको किस तरह से dB जो है वो मैं आपको ध्यान रखने हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी हो, तब जाके जो है ब्राउजिंग और उसको क्लाइंट को जो वहाँ पे कनेक्ट करने वाला है यूज़र उसको तब कितनी स्पीड मिलेगी। तो ये चीज़ें जानना ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्सेस पॉइंट यानी कि वायरलेस नेटवर्किंग करते वक्त। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये साइट विजिट पूरा बारीकी से कीजिए और उसके बाद जो है आपको कितनी चीज़ें लगने वाली हैं वो सारी की सारी जो है आपको एक पूरा उसका बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ेगा। बिल ऑफ मटेरियल आपका एक बार रेडी हो गया उसके बाद आपको उसका कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उसमें कौन से मॉड्यूल्स लगेंगे, कौन से मॉड्यूल का स्विच कौन सा वाला लगेगा, तो वो आपको अपने वेंडर से बात करनी है, मार्केट से चेक करें कि अभी लेटेस्ट में जो है कौन से स्विचेस चल रहे हैं और क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं। और एक्सेस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं बताया था जिसमें मैंने कि पीओए स्विच प्लान करते वक्त पावर जो है वो ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्सेस पॉइंट्स है वो कितने वाट कंज्यूम करने वाला और एक स्विच के ऊपर कितने एक्सेस पॉइंट हम प्लान कर रहे हैं और उन पे कितना वाट जो कैलकुलेशंस हैं वो होगा उसी हिसाब से पीओए स्विच प्लान करने हैं। तो ये सब करने के बाद आपका मटेरियल जो बिल ऑफ मटेरियल आप जो पूरा रेडी करें एक बार वापस गो थ्रू करें, उसके बाद जो है आप जाके अपने जो भी उस प्रॉपर्टी की ओनर हैं या परचेज डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट टीम है
उनको वो हैंडओवर कर दें। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बजट आपको दिए गए थे और आप जो बजट प्लान आपके जो बजट हो रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ज़्यादा आपका जा रहा है तो आपको वापस से उनकी मैनेजमेंट टीम से बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। तो उसके बाद उनका डिसीजन है कि वो उसमें क्या चाहते हैं। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं वो उनका लुकआउट है, फिर आपका लुकआउट है। ऐसे में आपको जो स्विचेस वगैरह की पीओई स्विच में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। बाकी स्विचेस में अगर आपको कुछ हायर वाले नहीं मिल पा रहे तो कुछ लोअर वाले ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपका मटेरियल आ गया, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टॉलेशन इन सेंस, इन द सेंस पैसिव प्रोडक्ट, जो पैसिव प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे केबलिंग है, उसके पैच पैनल में टर्मिनेशंस बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होने चाहिए। उस हर रैक के अंदर जो केबल्स हैं वो सिस्टमेटिक, उसके अंदर पूरी टाई करके, उसको प्रॉपर टैगिंग्स करके जो है आपको वहाँ पे रखनी है। उससे होगा क्या कि टैगिंग्स अगर हम नहीं करते हैं तो आगे अगर किसी को ट्रबल शूट करना कि ये केबल कहाँ गई है तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए टैगिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आता है। तो हमें जो कॉन्फ़िगरेशन, जब हमने बिल ऑफ मटेरियल बनाया है, हमने जो चीज़ें समझी हैं, तो डेफिनेटली हमें ये भी पता होगा कि वहाँ पे हमें कितने वी लेंथ चलाने हैं, या उसमें स्विचेस में अगर वी लेंथ चलाने भी हैं कि नहीं चलाने हैं, या हमने स्विचेस ही अलग अलग कर दी हैं। जो भी हम दो तरह के अलग अलग नेटवर्क चला रहे हैं, एक ही स्विचेस को यूज़ करके हम वीलन में उसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसा भी आपका है वो आपको प्लान करना है। तो उसके अंदर जो है एक चीज़ ध्यान रखें, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत कर दें इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, कि आपके जाने के बाद, आपके हैंडओवर के बाद जो वहाँ पे टीम आने वाली है वो किस लेवल की आने वाली है वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो सकते हो, आपको हर चीज़ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन आपके हैंडओवर के बाद वहाँ पे किस लेवल की टीम आने वाली है, उनका क्या, उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, कितना वो मैनेज कर पाएंगे, कितना नहीं मैनेज कर पाएंगे, ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक सेटअप तो बहुत अच्छा करवा लेते हैं, लेकिन जो उनके खुद के नेटवर्क इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे वो सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, और हाई स्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो नहीं लेती हैं। तो उसमें वो सेमी स्किल या फिर ठीक ठाक जिनको नॉलेज है उनको ही रख के जो है वहाँ पे काम चलाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ज़्यादा हायर एंड कॉन्फ़िगरेशंस कर देंगे तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आप वहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करें उस पूरे कॉन्फ़िगरेशंस के डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से बनाएं, और जो आपने टैगिंग्स की हैं उन टैगिंग्स को भी उस डॉक्यूमेंट में पूरा डिस्क्राइब करें, ताकि अगर बाद में आने वाली जो टीम हैंडल करने वाली है उस नेटवर्क्स को, वो उसको ट्रबल शूट करने में कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, या उनको कहीं पे कोई आगे और कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कुछ चेंज करने हैं या पोर्ट स्वाइपिंग वगैरह करना है तो उनको वो चीज़ें में करने में प्रॉब्लम ना आए। सो दोस्तों, ये थी पूरी एक कंप्लीट गाइड जिसके तहत जो है आपको पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करना होता है ए से लेके जेड तक। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी जाकर आप एक सक्सेस प्रोजेक्ट मैनेजर बन पाएंगे, सक्सेस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और दोस्तों, आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों, आई होप कि आप ये वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह से प्रोजेक्ट जो हैंडल किए जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन बहुत ही ज़रूरी था इस पर डिटेल में बात करना। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं हम लेके आते रहते हैं।
सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।